का मजा इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, दोनों एक साथ. साउंड्स ड्रीमी ना, बट क्या ये ड्रीम हेल्थी हो सकता है? एब्सोल्युटली. नमस्ते एंड वेलकम टू पिजन प्रेजेंट्स मसाला तड़का विद शेफ शाजिया. आज हम लेकर आए हैं एक ट्रेडिशनल इंडियन चाट विद अ मैक्सिकन ट्विस्ट. बनाते हैं ग्वाकामोले पापड़ी चाट. तैयारी करते हैं पापड़ी की. इसका डो हम तैयार कर लेंगे. इसके लिए हम यूज़ करेंगे होल व्हीट आटा. यूजली ये मैदे में बनता है, बट आज हम इसे होल व्हीट आटा में बनाएंगे. इसके साथ ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. बेसिकली ऑयल ऐड करने से ये अच्छे से खस्ता बनेगा, दैट इज क्रिस्प बनेगा. जस्ट रब द ऑयल विद द फ्लावर. इंस्टेड ऑफ यूजिंग पानी, हम यहाँ यूज़ करेंगे बीटरूट का जूस. इससे पापड़ी में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा एंड द चाट इज़ गोइंग टू लुक फैबुलस. अगर आपको बीटरूट का जूस बनाना है, बीटरूट को आप बॉयल कर दीजिए, फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड करके इसका जूस आप स्ट्रेन कर लीजिए. ऑलराइट, लेट एवरीथिंग कम टुगेदर. हमारा डो अच्छे से बन गया है, एक सॉफ्ट डो बन चुका है. वी विल कवर दिस एंड लेट इट रेस्ट फॉर अबाउट 10 मिनट्स. सो बेसिकली हम एक पेड़ा बना लेंगे. यूजली जो है पापड़ी डीप फ्राई होती है, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे द हेल्थी वे विथ आ वंडर अप्लायंस पिजन हेल्थी फ्राई एयर फ्रायर. इससे हम एक पतली सी रोटी बेलेंगे. इस तरीके से आप सारी रोटी बेल लीजिए. Just look at this, the beetroot juice has added such a beautiful color. Air fryer ko hum on karenge and ise hum preheat karenge 2 minute ke liye. Jab tak air fryer preheat ho raha hai, is tarike ke hum papdi ke roundels cutter ki madad se cut kar lenge. To is tarike se hum जो रिमेनिंग डो है इसका आप सारा इस तरीके से रोटी बेल के पापड़ी बना लीजिए. हम इन पापड़ी को फोक की मदद से वी विल जस्ट पोक इट अ लिटिल ताकि ये फूले नहीं. हमारा एयर फ्रायर प्रीहीट हो चुका है तो हमारी पापड़ी रेडी है. अब हम इसे एयर फ्रायर में प्लेस करेंगे. बास्केट को एयर फ्रायर में प्लेस करेंगे. Switch it on. Set the temperature at 180 degrees for 10 minutes and start. जब तक पापड़ी बन रही है हम तैयारी करते हैं ग्वाकामोले की. आप सब जानते हैं ग्वाकामोले बनता है अवोकाडो से. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अवोकाडो को एक्चुअली बेरी कहते हैं. That's something I didn't know. अगली बार कोई आपसे पूछे कि आपकी फेवरेट बेरी कौन सी है, तो सरप्राइज देम बाय सेइंग इट्स अवोकाडो. इट्स बेसिकली अ वन सीड बेरी. शुरू करते हैं. अवोकाडो को इस तरीके से हम हाफ कर लेंगे और इस तरीके से जब आप ओपन करोगे इसमें एक सीड होगा जिसे आपको डिस्कार्ड करना है एंड बेसिकली स्कूप आउट द सेंटर. ऑलवेज मेक श्योर एक अच्छे ग्वाकामोले के लिए अवोकाडो राइप होना चाहिए. जब अवोकाडो राइप होता है तो ये ईजिली स्कूप आउट हो जाता है एंड इट टेस्ट रियली गुड. अवोकाडो बहुत ही बटरी टेस्ट करता है, क्रीमी, एंड इट हैज़ यू नो नोट्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल ग्रीनिश लीवी लीव्स नटी फ्लेवर. इस तरीके से हम फोक की मदद से अवोकाडो को मैश कर लेंगे. अवोकाडोज आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. कहते हैं इसमें पोटेशियम कंटेंट बनाना से भी ज़्यादा होता है. तो लीजिए ये अच्छे से अवोकाडो मैश हो गया. अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे जो है अनियंस. अनियंस को यहाँ मैंने ग्रेट कर लिया है. आई फील यू नो चॉपिंग देम इवन फाइनली दे आर स्टिल चंकी, तो इट्स नाइस टू ग्रेट द अनियन. तो इसके साथ जाएगा सम वेरी फाइनली चॉप्ड गार्लिक, सम वेरी फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्पाइसी यू लाइक इट, सम टोमेटोज, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड थोड़ा
थोड़ा सा लेमन जूस। सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे मिक्स कीजिए और ये तैयार है हमारा गुआकामोले। इसके साथ हम एक और सॉस बनाएंगे क्रीम चीज़ के साथ। ये है मेरे पास क्रीम चीज़, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून्स आप ले सकते हैं। जैसे ही क्रीम चीज़ विस्क हो जाता है, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट एंड सम फ्रेश क्रीम, अबाउट 2 टेबलस्पून्स। अगेन गिव एवरीथिंग अ गुड मिक्स। डन, हमारा क्रीम चीज़ का मिक्सचर अच्छे से बन चुका है, इसको हम रख देंगे। लेट्स चेक ऑन द पापड़ी। लवली, लुक्स अमेजिंग। ये क्रिस्प हो चुकी है, अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको बंद कर देंगे। पापड़ी रेडी हो चुकी है, करते हैं हमारे गुआकामोले पापड़ी चाट की प्लेटिंग। जस्ट लुक एट दीज पापड़ीज, दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, परफेक्टली क्रंची हुई हैं। द बीटरूट हैज गिवन इट अ ब्यूटिफुल पिंक कलर एंड नो ऑयल, दैट्स द बेस्ट थिंग। पापड़ीज को हम प्लेस करेंगे। ये हमारा गुआकामोले जो हमने बनाया है, इसको हम पापड़ी पे प्लेस कर देंगे, नाइस जेनरस अमाउंट। क्रीम चीज़ के मिक्सचर को हमने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है, तो इसके ऊपर हम क्रीम चीज़ का मिक्सचर पाइप करेंगे। इसको गार्निश करेंगे विथ सम पोमेग्रेनेट सीड्स, सम चॉप्ड कोरिएंडर एंड मेरे पास हैं पिकल बीटरूट्स, इसको भी हम इसके साथ ऊपर से डाल देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड एन्जॉय।